नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्रिकेट लाइन गुरु चैनल के प्री मैच एनालिसिस में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ओवल इनविंसिबल वर्सेस मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के 13th मैच को, जो कि कैनिंगटन ओवल लंदन में खेला जाएगा 9 अगस्त को रात 11 बजे। तो दोस्तों, मैच प्रीव्यू की शुरुआत करें इससे पहले आपको बता देते हैं कि मैनचेस्टर ओरिजिनल्स ने इस सीजन अभी तक 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से एक मुकाबले में उन्हें जीत मिली थी, एक मुकाबला वो हारे थे, साथ ही साथ एक मुकाबला ऐसा था जिसमें कोई भी रिजल्ट नहीं निकला था। अब ओवल इनविंसिबल की बात करें तो 2 मैचेस उन्होंने खेले हैं, जिसमें से एक मैच उन्होंने जीता था, तो वहीं एक मैच जो था वो टाई रहा था। यानी कि दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि एक एक मुकाबला दोनों टीम्स अपने नाम कर चुकी हैं, तो ये मैच दोनों ही टीम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कौन सी टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज करेगी, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। तो आज के हमारे मैच प्रीव्यू में हम इस मैच से जुड़ी हर एक जानकारी आपको बताएंगे, पिच का क्या हाल रहेगा, हेड टू हेड कंपैरिजन, साथ ही की प्लेयर्स के नाम भी। तो शुरुआत करते हैं वेन्यू एनालिसिस के साथ। तो दोस्तों, कैनिंगटन ओवल लंदन में अभी तक टोटल मैचेस खेले गए हैं 10, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने 4 मुकाबले जीते हैं, तो वहीं सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के नाम रहे हैं 5 मुकाबले, एक मुकाबला जो था वो टाई रहा था। हाईएस्ट स्कोर बनाया है इस पिच पर लंदन स्प्रिट की टीम ने, जिन्होंने 171 रन बनाए थे 6 विकेट खोकर, तो वहीं लोएस्ट स्कोर रहा है ट्रेंट रॉकेट्स के नाम, जिन्होंने 96 रन बनाए थे 10 विकेट खोकर। हेड टू हेड कंपैरिजन पर आ जाते हैं तो दोस्तों, और ओवल और मैनचेस्टर के बीच में 2 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से एक मुकाबला जीता है ओवल ने, तो वहीं एक मुकाबले में जीत दर्ज की है मैनचेस्टर ओरिजिनल्स ने। तो यानी कि यहां पर बराबरी की टक्कर हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसे में दोस्तों, ओवल इनविंसिबल की टीम पहला मुकाबला अपना जीती थी, सेकंड मैच जो था उनका वो टाई रहा था। तो यहां पर कोई भी गलती नहीं करना चाहेंगे टीम के कप्तान सैम बिलिंग्स। किन 11 खिलाड़ियों को देंगे वो अपनी प्लेइंग 11 में जगह, इसके बारे में अब आपको बताते हैं, यानी कि क्या हो सकती है ओवल इनविंसिबल की प्रोबेबल प्लेइंग 11। तो यहां पर शामिल रह सकते हैं विल जैक्स, जेसन रॉय, जॉर्डन कॉक्स, हेंड्रिक क्लासिन, सैम करन, सैम बिलिंग्स, टॉम करन, सुनील नरेन, गस एटकिंसन, जैक चैपल और नाथन सॉटर। तो ये 11 खिलाड़ी दोस्तों हमें नजर आ सकते हैं मैनचेस्टर के खिलाफ फिरते हुए, लेकिन इनमें से वो सिलेक्टेड प्लेयर्स कौन से होंगे जो कि अभी तक अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं दी 100 2023 में, और आगे भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, यानी कि 13th मैच में अपने प्रदर्शन के बलबूते पर वो टीम को मदद दिला सकते हैं। तो यहां पर की प्लेयर्स की लिस्ट में किन खिलाड़ियों को हमने शामिल किया है इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो यहां पर सबसे पहला नाम शामिल किया गया है जॉर्डन कॉक्स का, जिन्होंने 2 मैचेस खेलते हुए 73 रन बनाए हैं। सैम करन की अगर बात करें तो 5 रन उन्होंने बनाए हैं 2 मैचेस खेलते हुए। टॉम करन, जो कि एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, उन्होंने 2 मैचेस खेलते हुए 47 रन बनाए हैं, साथ ही साथ गेंदबाजी से शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट भी उन्होंने अपने नाम किए हैं। गेंदबाजों की बात करें दोस्तों, तो यहां पर गस एटकिंसन का नाम हमने शामिल किया है, जिन्होंने 4 विकेट चटकाए हैं 2 मुकाबले खेलते हुए। और आखिरी नाम है यहां पर नाथन सॉटर का, जिन्होंने 3 विकेट चटकाए हैं 2 मैचेस खेलते हुए। तो ये हो गई ओवल की बात। अब बात करते हैं मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की, क्या होगी प्रोबेबल प्लेइंग। टीम की कमान है जॉस बटलर के कंधों पर, वो किन 11 खिलाड़ियों को मौका देंगे इस मुकाबले में ओवल के खिलाफ भिड़ने का, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों, मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकती है, उसमें जो खिलाड़ी शामिल रह सकते हैं उनके नाम है फिलिप सॉल्ट, जॉस बटलर, लॉरी इवेंस, मैक्स होल्डन, एस्टन टर्नर, पॉल वॉल्टर, जेमी ओवरटन, उसामा मिर, टॉम हार्टली, जोशुआ लिटिल और रिचर्ड ग्लासन। मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के की प्लेयर्स पर आ जाते हैं तो जॉस बटलर यहां पर अभी तक अच्छा प्रदर्शन करते हुए, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए हमें नजर आए हैं। उन्होंने 3 मैचेस में 142 रन बनाए हैं दोस्तों, और उनसे उम्मीद है कि वो इस मुकाबले में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए हमें नजर आएंगे। इनके अलावा एस्टन टर्नर की बात करें तो 38 रन उन्होंने बनाए हैं 3 मैचेस खेलते हुए। ओसामा मिर, जो कि एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, उन्होंने 3 मैचेस खेलते हुए 32 रन बनाए हैं, साथ ही साथ गेंदबाजी में उन्होंने 2 विकेट्स अपने नाम किए हैं। गेंदबाजी पर आ जाते हैं तो टॉम हार्टली ने 4 विकेट चटकाए हैं 3 मैचेस में, और जोशुआ लिटिल ने भी 3 मैचेस खेलते हुए 4 विकेट अपने नाम किए हैं। तो दोस्तों, यहां पर दोनों टीम्स के की प्लेयर्स के नाम हम आपको बता चुके हैं, इन्हें आप अपनी ड्रीम 11 टीम का भी हिस्सा बना सकते हैं। और तो दोस्तों, अब फाइनली बात आ जाती है कंक्लूजन की, कि ये जो मैच है 13th मैच दी 100 2023 का, कौन सी टीम करेगी अपने नाम। तो यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने ज्यादातर मैचेस जीते हैं, लेकिन अगर टीम की बात करें दोस्तों, तो यहां पर मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि यहां पर खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन आपके हिसाब से कौन सी टीम जीतेगी ये मैच, क्या लगता है आपको, क्या वो ओवल इनविंसिबल होगी या फिर मैनचेस्टर ओरिजिनल्स, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे होगी फिर मुलाकात क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और स्टोरीज के साथ। अब तक के लिए आप देखते रहिए क्रिकेट लाइन गुरु, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।